हेलो, HSC कॉमर्स मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी स्टार्टेड ऑनलाइन लेक्चर्स फॉर मैथ्स 1 फॉर HSC कॉमर्स सेक्शन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.4 इन मैट्रिक्स। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.4। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है प्रॉपर्टीज इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के लिए। ए ट्रांसपोज ऑफ दैट ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, सो ए ट्रांसपोज एंड फर्दर ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग ए ट्रांसपोज और ट्रांसपोज निकालें तो उसका इक्वल टू वो होता है हमेशा ए। ओके, नेक्स्ट, ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। नेक्स्ट, ए बी ए इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, राइट है। नेक्स्ट, इफ अ मैट्रिक शुड बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक देन ए टी इज इक्वल टू ए, दैट इज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, एंड इफ इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। इसका यूज कहाँ होगा, कैसे होगा, वो हम लोग सब में करेंगे। फिलहाल हम लोगों को अभी इतना ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में कभी भी इसे हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको ये पांचों प्रॉपर्टी जो है इसको याद रखना है। इट्स लाइक अ फॉर्मूला, ए ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, इफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, इफ स्क्यू सिमेट्रिक देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर टू, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे 3 × 3 वेयर ए आई जे इज इक्वल टू 2 × i − j, फाइंड ए एंड ए ट्रांसपोज, स्टेट वेदर ए एंड ए ट्रांसपोज बोथ आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सबसे पहले ध्यान दीजिए ये कि हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है, तो हमें क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए ये बताया गया है कि फाइंड ए एंड ए ट्रांसपोज, तो हमें ए और ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, और उसके बाद ये बताना है स्टेट वेदर द ए एंड ए ट्रांसपोज बोथ आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। वो दोनों जो है जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे ए और ए ट्रांसपोज, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा या सिमेट्रिक होगा, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला था ए आई जे इज इक्वल इज 3 × 3, यानी 3 × 3 के ऑर्डर में होना चाहिए, 3 रो और 3 कॉलम, राइट है। वेयर ए आई जे इज इक्वल टू 2 (i − j), यानी कि ये है हमारा इक्वेशन। क्या है ये हमारा इक्वेशन, कि हमें ये फॉर्मूला डाल के हमें यहाँ पे निकालना है इस चीज़ को। तो सबसे पहले हम लेते हैं 3 × 3 बोला है, तो हमने यहाँ पे लिया a इज इक्वल टू कि a11, a12, a13, a21, 22, 23, 31, 32 एंड a33। इस तरीके से हमने ले ली क्यों, तो जब a i j 3 × 3 के ऑर्डर में होगा तो हम लोग उसे कैसे लेंगे, तो हम लोग उसे क्या लेंगे, a इज इक्वल टू, ये स्मॉल a तो है ही है, i j में हम क्या लेंगे, सबसे छोटा जो हमारा आएगा वो आएगा 1 1, दैट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और सबसे बड़ा जो हमारा जाएगा वो जाएगा 3 3, दैट इज थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये हो गया 3 रो और 3 कॉलम। इसीलिए हमने यहाँ पे अंदर लिया a11 से लेके a33 तक। अब हम लोगों को क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, हम लोगों को इसको इस फॉर्मूले में हमें पुट कर देना है। तो हम करेंगे यहाँ पे ए आई जे इज इक्वल टू क्या लेने बोला हमें, 2 (i − j), हमने यहाँ पे लिया 2, राइट है। अब i − j, i और j की वैल्यू क्या है, ये हमेशा i होता है, ये j होता है, राइट है, सबको याद है, हमने इसके बहुत पहले वाले वीडियो में देखा था। तो ये i है, ये j है, दैट इज 1 − 1, तो 2 × 1 − 1, समझ में आ रहा है। फिर 2 × i − j, फिर से ये i है, ये j है, दैट इज 2 × 1 − 2, फिर ये i है, ये j है, तो 2 × 1 − 3। सेम थिंग 2 1 2 2 2 3 में भी 2 × 2 − 1, क्योंकि यहाँ पे i ये है और j ये है, राइट है, तो i − j करना है हमें, तो 2 − 1, फिर 2 × 2 − 2, दैट इज i − j, राइट है ना, पहुँचेगा ना i − j, 2 फिर
फिर ब्रैकेट में 2 माइनस 3, फिर थर्ड में भी ऐसे ही 2 इंटू ये आया है ये जो है 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, 3 माइनस 3, क्लियर है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसे आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो 2, 1 माइनस 1 क्या होगा 0, 0 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0, 1 माइनस 2 आंसर क्या आएगा माइनस 1, राइट है। जब माइनस 1 का मल्टीप्लाई हमारा 2 से होगा तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस 1 इंटू 2, दैट इज माइनस 2। नेक्स्ट यहाँ पे 2 इंटू 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 कितना होगा माइनस 2, माइनस 2 इंटू 2 दैट इज माइनस 4। नेक्स्ट 2 ब्रैकेट में है 2 माइनस 1, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 1 क्या आएगा 1, 1 इंटू 2 2, 2 माइनस 2 0, 0 इंटू 2 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, वैसे ये और ये जब हमने सॉल्व किया तो आंसर आया 4, 2, 0। ये हमारा क्या निकला ए, ये हमारा निकल गया ए। अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं ए ट्रांसपोज, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था फाइंड ए एंड ए ट्रांसपोज। तो अब ए ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, सबको पता है ट्रांसपोज कैसे निकलता है, रो को जो है हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जो रो है इसे हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, 0 माइनस 2 माइनस 4, तो 0 माइनस 2 माइनस 4 इस रो को मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, 2 0 माइनस 2 तो 2 0 माइनस 2 फिर से हमने सेकेंड जो रो था उसे हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, 4 2 0 ये रो था इसे हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर है। अब ए ट्रांसपोज हमने निकाल दिया। अच्छा क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या बोला था हमें कि जब निकल जाए फाइंड ए एंड ए ट्रांसपोज, स्टेट वेदर ए एंड ए ट्रांसपोज बोथ आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। जब अगर निकल जाएगा तो वहां पे हमें ये ध्यान देना है कि वो सिमेट्रिक आंसर है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, इन ए एंड ए ट्रांसपोज ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे, ऐसा मैंने क्यों लिखा। आप ध्यान दीजिए, हमेशा हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या बोलता है, ऑलरेडी बताया था मैंने, याद होगा आपको, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई उसका उल्टा, राइट है। यानी कि ए वन टू जो है वो ए टू वन से इक्वल होना चाहिए, है ना, सेम होना चाहिए। और स्क्यू सिमेट्रिक का फॉर्मूला क्या बोलता है, उसका फॉर्मूला ये बोलता है ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, यहाँ पे होता है माइनस ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, यानी कि ए वन टू इज इक्वल टू माइनस ए टू वन, राइट है, माइनस ए टू वन। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये प्लस है या माइनस है, तो हम कंपेयर करते हैं, ये हमारा ए वन टू है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये ए ट्वेल्व है ना, फिर ए ट्वेंटी वन यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे माइनस टू है ए ट्वेल्व के यहाँ, और ए ट्वेंटी वन के यहाँ पे क्या है टू है, तो एक प्लस में है एक माइनस में, जब भी एक प्लस में एक माइनस में होगा तो वो क्या बन जाता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक, क्लियर है। फिर ये क्या हमारा ए थर्टीन, ए थर्टीन यानी कि उसका उल्टा क्या होना चाहिए 31, है ना, 13 का मतलब 13, उसका उल्टा क्या हो जाएगा 3 इधर आ जाएगा 1 वहां पे चला जाएगा, तो उसका उल्टा होगा ए 31, तो एक माइनस में है एक प्लस में, फिर से देख रहे हैं हम। दूसरा ए 23, राइट है, ए 23 स्क्यू सिमेट्रिक में हम लोग यही देखते हैं ना, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल छोड़ के जो ऊपर और नीचे जो तीन नंबर्स बचते हैं हम उनके कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे जो 823 है वो है माइनस टू और 832 जो है वो है टू, राइट है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एक नंबर माइनस में एक नंबर प्लस में है, और सेम चीज़ें हम लोगों को ये ट्रांसपोज में भी दिखाई जाएंगी कि ऊपर देखिए नंबर प्लस में, नीचे देखिए नंबर माइनस में, टू माइनस टू यानी 812 जो है यहाँ पे माइनस 821 से, राइट है कि नहीं, देखिए फिर से। तो ये जब एक नंबर प्लस में एक नंबर माइनस में है, राइट, तो हम उसको क्या बोलेंगे, जब एक नंबर प्लस में एक नंबर माइनस में, तो हम उसको क्या बोलेंगे हमेशा, आपको याद है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या हो जाएगा वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जहाँ पे हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बता दिया कि इन ए एंड ए ट्रांसपोज ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में, फॉर ऑल आई एंड जे, हेंस ए एंड ए ट्रांसपोज आर बोथ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट है। अब ध्यान दीजिएगा होमवर्क में, राइट है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे आप उसके साथ, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, तो वहां पे क्या निकालने बोला है क्वेश्चन में हमें कि ए ट्रांसपोज ऑफ दैट ट्रांसपोज, यानी आपको ए का ट्रांसपोज और उसका फर्दर ट्रांसपोज निकालना है, इसका जो आंसर जो है वो आपको ए के इक्वल है या नहीं वो आपको वहां पे दिखाना है, और क्वेश्चन नंबर 4 में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ऐसा आपको वहां पे प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 5, ए इज इक्वल टू 2 - 3, 5 - 4 - 6, 1, बी इज इक्वल टू दिस एंड सी इज इक्वल टू दिस। देन शो दैट ए प्लस बी ट्रांसपोज, ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। हमें यहाँ पे दिखाना है, आप लोगों को पता ही हम लोग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड कैसे दिखाते हैं, तो वैसे ही हम लोगों को यहाँ पे दिखाना है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज वो है या नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, सबसे पहले ए प्लस बी ट्रांसपोज हमें निकालना है लेफ्ट हैंड साइड में। हमने लिखा क्या है ए प्लस बी, क्यों, क्योंकि हम सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं ब्रैकेट। ए प्लस बी बहुत ही सिंपल है, बस ऐड ही करना है, प्लस करना है, तो हमने ए को यहाँ पे लिखा, बी को यहाँ पे लिखा, अच्छा ऐड कर दिया हमने 2 + 2 = 4 राइट है। आपको पता होगा कि मैंने पहले ऐड करके बताया था, आप लोग भी उसे लिख के बताएंगे ऐसे 2 + 2 ऐसे आप लिख के बताएंगे, ठीक है, ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में हमारे हो चुके हैं तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट किया 2 + 2 = 4। याद रखना है A11 जो है वो A11 से ऐड होगा, A12 जो है वो A12 से ऐडलेस होगा। फिर -3 + 1 तो -3 + 1 कितना हो जाएगा -2। नेक्स्ट 5 + 4 = 9, -4 + -, क्या होगा माइनस, तो -4 - 1 - 4 - 1 क्या आएगा आंसर आपका -5 राइट है। -6 + है यहाँ पे माइनस है, -6 - 3 यहाँ पे आएगा -9। नेक्स्ट 1 + 3 राइट है, तो 1 + 3 दैट इज 4 ओके। याद रखना मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग इस तरीके से लिख के आप लोग बताएंगे जब एडलेस करेंगे तो आप लोग लिख के बताएंगे वैसे, ठीक है। ए प्लस बी ट्रांसपोज, अब हमने क्या किया, ये हमारा निकल गया ए प्लस बी, आंसर क्या है हमारा ये ए प्लस बी का, और हमें लेफ्ट हैंड साइड में निकालने क्या बोला था ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का मतलब रो को क्या बनाना है कॉलम, तो 4 - 2 ये रो है, हमने देखिए यहाँ पे इसको बना दिया 4 - 2 कॉलम में चेंज कर दिया। 9 - 5 रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, -9 = 4 रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, ये हमारा निकल गया ए प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये हमारा क्या निकल गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में बोला है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो हम एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज हमारा कैसे निकलेगा, तो देखिए ए हमारा क्या है 2 - 3, तो 2 - 3 ये क्या है हमारा रो है, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया 2 - 3। 5 - 4 रो है, कॉलम में चेंज कर दिया 5, यहाँ पे आ गया -4। -6 - 1 - 6 - 1 चेंज कर दिया हमने राइट है। अब सेम बी के लिए भी हमें क्या बोला था बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज जो है वो बी ट्रांसपोज जो है, हमने बी ट्रांसपोज जब निकाला तो बी ट्रांसपोज के लिए भी हम सेम थिंग करेंगे, रो रो और रो हम इसमें कॉलम में चेंज कर देंगे 2 - 1 हमने 2 - 1 लिख दिया, 4 - 1 तो हमने 4 - 1 लिख दिया, -3 - 3 हमने -3 और 3 लिख दिया, क्लियर है राइट स्टूडेंट्स। नाउ अब हम देखते हैं कि ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, हमें क्या बोला था ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को ऐड करना है निकालने के बाद, तो हमने निकाल तो दिया ही है, अब हम उसे ऐड करेंगे, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, याद रखना इन दोनों को ऐड करना है ए और बी को नहीं, उनके ट्रांसपोज को, तो यहाँ पे हमने ऐड कर रहे हैं, तो ये हमने क्या लिखा है यहाँ पे ये ए ट्रांसपोज और ये बी ट्रांसपोज, फिर 2 + 2 दैट इज 4, 5 + 4 दैट इज 9, -6 + - तो -6 + - क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -6 - 3 राइट है, -6 - 3 - 9 फिर -3 + 1 दैट इज -2, -4 यहाँ पे ± हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा -4 - 1 दैट इज -5 एंड 1 + 3 दैट इज 4, क्लियर है। अब आप कंपेयर करके दिखाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं है, तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा ए प्लस बी ट्रांसपोज क्या आया 4 - 9 - 9 -2 - 5 = 4 और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज भी हम देख रहे हैं कि क्या ये दोनों सेम है, तो दोनों इक्वल है, तो हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइज एंड ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस
वी ट्रांसपोज। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख के दिखा दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। नाउ क्वेश्चन नंबर 5-2 होमवर्क में करना है, ए माइनस सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस सी ट्रांसपोज। अभी जो हमने ये सम किया सेम इसी तरीके से आप लोगों को ये वाला होमवर्क में करना है, ठीक है। तो ये सब हमने कैसे किया आप देख सकते हैं, ए बी और सी तीन वैल्यू दी हुई है इसमें, तो उसी के हिसाब से आप लोगों को ये वाला होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए इज इक्वल टू 5, 4, -2, 3, बी इज इक्वल टू -1, 3, 4, -1, देन फाइंड सी ट्रांसपोज सच दैट 3a-2b+c इज इक्वल टू आई, वेयर आई इज यूनिट मैट्रिक्स। 3a-2b+c इज इक्वल टू आई, इसे हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड सी ट्रांसपोज वेयर आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स। आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स का मतलब हमें सबको पता है कि यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी, 1, 0, 0, 1। अच्छा, ये ए और बी जो है ये दो 2×2 के ऑर्डर में, राइट है, दोनों के दोनों, तो आई भी हमारा किस ऑर्डर में होगा, 2×2 के ऑर्डर में, क्योंकि क्वेश्चन में भी लिख के दिया जाता है। तो 3a-2b+c इज इक्वल टू आई, हमने इसे क्या लिखा, सी इज इक्वल टू, सी को हमने इधर ही रखा, 3a-2b को हम उस तरफ लेके गए इज इक्वल टू के उस साइड, तो आई हमारा इधर ही है। ये 3a-2b में वहां पे लेके जाऊंगा क्या बन जाएगा मेरा, +2b। 3a वहां पे चला जाएगा क्या बन जाएगा हमारा, -3a। क्लियर है। नाउ सी इज इक्वल टू, बहुत ही ईजी है, अब हमें यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रख देनी है, आई की वैल्यू 1001 प्लस 2×, बी की वैल्यू हमें यहाँ पे दी है -1, 3, 4, -1, -3, 4, -1, -3 (5, 4, -2, 3). अब 1001 प्लस 2×, ये हमारी होगी बी की वैल्यू, -3×, ये हो गई हमारी ए की वैल्यू, 5, 4, -2, 3। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1001 प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया 2 का मल्टीप्लाई 2×-1, -2, 2×3 = 6, 2×4 = 8, 2×-1, -2, फिर -3, माइनस को ऐसे ही रखते हैं और 3 का मल्टीप्लाई, याद रखना माइनस का मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको अंदर, सिर्फ माइनस को यहाँ पे रखना है 3 का मल्टीप्लाई, 3×5 = 15, 3×4 = 12, 3×-2 दैट इज -6, 3×3 = 9। ओके, नाउ अब C इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, अच्छा देख रहे हैं हम कि ये भी 2×2 है, ये भी 2×2 है, और ये भी क्या है हमारा 2×2 का ऑर्डर है, तो ये बहुत ही इजीली ऐड और लेस हो सकता है, तो हम इसको बहुत ही इजीली ऐड और लेस कर लेंगे। 1 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 1 - 2 - 15, तो 1 - 2 - 15 हमने लिख दिया, एक साथ ऐड और लेस दोनों कर रहे हैं हम। 0 प्लस 6, ये 8×12 है क्योंकि 8×12 से ही ऐड होगा ना, इसका भी 8×12, तो 0 प्लस 6 - 12, 0 प्लस 6 - 12। ओके, अब ये है 8×21, क्योंकि 8×21 से ऐड होगा और 8×21 से ही लेस भी होगा, तो 0 प्लस 8 - - माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 0 प्लस 8 - माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ गया 0 प्लस 8 + 6। ओके, नेक्स्ट 1 प्लस माइनस दैट इज -2, 1 - 2 यहाँ पे है -9, तो 1 - 2 - 9। ओके, नाउ सी इज इक्वल टू, वैल्यू क्या मिलेंगे हमें, एडलेस करके देख लेते हैं हम, 1 - 2 कितना होगा -1, -1 - 15 - 16, 0 + 6 कोई फर्क नहीं पड़ेगा 6 को, 6 - 12 क्या हो जाएगा -6, 8 + 6 = 14, 1 - 2 - 9 दैट इज -10। ओके, अब हमें क्वेश्चन में पूछा था, सी नहीं पूछा था हमें क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में पूछा था सी का ट्रांसपोज, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सी का ट्रांसपोज देखिए हमने निकाला है कैसे, -16 - 6, तो ये रो है हमने इसे लिख दिया कॉलम में, -16 - 6, 14 - 10 ये भी रो था हमने इसे लिख दिया कॉलम, यहाँ पे कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6।